मसीह का वचन सुनने के लिए आए हुए सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि यीशु मसीह के वचनों में ही जीवन है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि करी है, जिसने सब कुछ बनाया है, आपको और मुझे भी बनाया है। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर का यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। परमेश्वर इस जगत में सिर्फ एक बार मनुष्य बन के उतरा था, और उसका नाम था यीशु मसीह 2000 साल पहले। यह उसने साबित किया अपने उन चमत्कारों से जो मनुष्य नहीं कर सकता। उसने जन्म के अंधों को आंखें दी, जन्म से लंगड़ों को टांग दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया उसने, तूफान आंधी को रोका उसने, साबित किया कि प्रकृति नेचर पर सिर्फ उसी का अधिकार है, सब चीज उसी के नियंत्रण से चलता है। यह साबित सिर्फ यीशु मसीह ने किया कि वह परमेश्वर है। उसी के बारे में सिर्फ भविष्यवाणियां हुई थी सैकड़ों साल पहले, जैसे बाइबल में लिखा है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो पहले मनुष्य की शुरुआत और जगत की सृष्टि, ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में बताता है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो ये बताता है कि ये दुनिया आगे कैसे बढ़ी, संसार कैसे बना, अलग अलग देश कैसे आए, अलग अलग भाषाएं कैसे आई। जितना भी विकास हुआ है संसार में वो सिर्फ बाइबल में लिखा है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो बताती है कि परमेश्वर ने इसराइलियों को भविष्यवक्ता दिए थे, जिसने आने वाले समय के बारे में सैकड़ों साल पहले ही बाइबल में लिख दिया था। धीरे धीरे करके 1500 सालों में बाइबल पूरी हुई, और बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो संसार के अंत के बारे में बताती है कि संसार का अंत कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा। तो यीशु मसीह ने अपना सब कुछ, कि वो कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर की क्या योजना है, उसने मनुष्य की सृष्टि क्यों करी है, ये सब कुछ सिर्फ एक किताब में लिखा है जिसका नाम है बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है। दूसरी किसी किताब में परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर नहीं किया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, उन वचनों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं, ठीक है? सवाल यह है कि इस संसार में जो मनुष्य आता है वो बहुत से पाप करता है, हर कोई करता है, ठीक वैसे जैसे बाइबल से कहता है। तो सवाल यह है कि समझ लो एक मनुष्य 90 साल का हो गया और अब वो मरने के लिए पड़ा है, उसका अंतिम समय आ चुका है, शायद उसके जीवन में कुछ 10 मिनट रह गया जीने के लिए, और सारा जीवन उसने बहुत से पाप किए थे और भाग दौड़ में लगा रहा था पैसे कमाने का लालच में, और जैसे सब लोग लगे रहते हैं कि ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, उसके लिए 100 झूठ भी बोलता था, स्वार्थ भी था उसके मन में, हमेशा अपने लिए पहले सोचता था फिर दूसरों की भलाई करता था, ऐसे बहुत से पाप, धन का लोभ, व्यभिचार, मन में बुरे विचार, बुरी भाषा, जो हर मनुष्य के जीवन में होती है वो उसके जीवन में भी थी, और कहीं कहीं पर तो उसने कुछ बड़े बड़े पाप भी किए जो किसी को पता नहीं चले, पुलिस वालों को भी पता नहीं चले। हो सकता उसने स्मगलिंग करी हो सकता उसने किसी की हत्या करी हो जो किसी को पता नहीं चला, ऐसे बहुत से पाप किए समझ लो उसने, भयंकर पाप भी किए। अब वो मरने जा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग कि नर्क? नर्क जाएगा, क्योंकि उसके सारे काम बुरे थे। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसे मनुष्य के लिए कोई उम्मीद है कि आखिरी 10 मिनटों में ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि वो नर्क जाने से बच जाए? सारा जीवन उसने 90 साल पाप में गुजारा। हाँ, तो जिस धर्म में भी आप विश्वास करते हैं उस धर्म के आधार पर आप मुझे बताइए कि क्या उस आदमी का ऐसा कुछ हो सकता है कि वो स्वर्ग जाए? जिस धर्म पे आप विश्वास करते हैं वो धर्म क्या सिखाता है आपको, बताइए क्या होगा उस मनुष्य के साथ, क्या उम्मीद है उस मनुष्य की? आप कह रहे हैं कि यीशु ही है जिससे वो मांगेगा क्षमा, क्योंकि यीशु ही है जो उसको माफ कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ यीशु ही उसे माफ कर सकता है, दूसरा कोई क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कहता है कि मैं यीशु से क्षमा नहीं मांगता, यीशु नहीं है मेरा परमेश्वर, वो जिसको भी मानता है, मैंने जैसे बोला वो पत्थर को मानता है अपना भगवान, या किसी मूर्ति को मानता है, या सूरज को मानता है, या उसने अपने ख्यालों में कोई परमेश्वर बना रखा है उससे मांगता है, तो वो क्यों नहीं माफ कर सकता?
सोच के देखो, क्षमा तो वही करेगा ना जिसने आपके पापों का दंड भुगता है। जब दूसरे किसी ने भुगता ही नहीं है तो वो माफ करने का अधिकार कैसे रखेगा? किसी ने ये साबित ही नहीं किया दंड भुगत के कि वो आपसे प्रेम करता है। बड़ी बड़ी कहानियां लिखने से थोड़ी ना उसका प्रेम साबित हो जाएगा। सिर्फ यीशु ही है जिसने आके सबसे पहले ये बताया कि मैं यहां तुम्हारा दंड भुगतने के लिए आया हूं, जैसा कि यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा था, यीशु के आने से 700 साल पहले बाइबल में लिखा था, जिसको कोई बदल नहीं सकता था। मीका ने लिखा था कि वो किस समय पैदा होगा, कहां पैदा होगा, सारी भविष्यवाणियां तो पहले से थी। तो यीशु ही तो है जो ये कह सकता है कि मैंने ही तो तुम्हारा दंड भुगता है, क्योंकि मैं ही तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें नर्क जाने से बचा सकता हूं। तो वो जो आदमी जो 90 साल का था, जो मरने वाला है, ये भी तो हो सकता है कि उसको अब पता चल जाए कि मेरा अंत समय आ गया है। और मनुष्य के अंदर एक अंतरात्मा होती है, कॉन्शियंस होता है, जो उसे बताता है कि तुमने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। हमेशा हर घड़ी पता होता है मनुष्य को, जब भी वो कुछ गलत करता है, किसी को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो उसको पता होता है, लेकिन वो आंख बंद कर लेता है। वो कहता है मुझे नहीं देखना कि मैंने क्या किया, बस मेरा काम चलना चाहिए। अगर वो सच्चे मन से यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करके उस समय भी क्षमा मांगता है। सच्चे मन का मतलब क्या है? जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक कपड़ा जो मैला है रात को, उसको धो दिया, वो साफ हो गया, तो सुबह हम उसको पहन के जाते हैं ना काम पे। मना तो नहीं करते ना कि ये कल गंदा था तो आज नहीं पहनूंगा। नहीं, वो साफ हो गया, उसका मन साफ हो गया, उसका मन फिर गया, उसका मन बदल गया, अब वो एक नया इंसान बन गया। तो वो उस मरते समय भी अगर उसका मन फिर जाता है और वो परमेश्वर के पास आ जाता है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा दंड तो मैं पहले ही भुगत चुका हूं। जो 90 सालों में तुमने जितने पाप किए थे वो सब तो मैंने क्रूस पर भुगत लिया था पहले ही, और मैं तुम्हें कह रहा था कि अपने पापों की क्षमा मांगो। जिन पापों में तुम जिए, तुमको भी पता है कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिली। तुम्हें लगता था कि मैं लालच करके, रिश्वत देके, चोरी करके, हत्या करके, मैं व्यभिचार करके अपने सारे काम अच्छे कर लूंगा और अच्छा जीवन जीऊंगा। तुमको पता है कि नहीं हो पाया ऐसा। पूरे 90 साल में तुम अशांति में जियो, हमेशा चिंता में ही रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहा है, ये तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी तुम्हें क्षमा मांगकर तुमने एक साफ सुथरा जीवन नहीं मांगा मुझसे, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारा मन फिर गया है। तो यीशु यही कहता है कि तुम्हारा अंत तो ये नहीं है, यहां तो सिर्फ तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है, इसके बाद भी तुम कहीं जाने वाले थे और हमेशा के लिए रहने वाले थे, या तो स्वर्ग में या नरक में। जीवन तुम्हारा यहां समाप्त नहीं हो रहा था, सिर्फ शरीर समाप्त हो रहा था। अब तुमने क्षमा मांग ली है तो बाकी का जो जीवन है, जो अनंत काल का, वो तुम मेरे साथ स्वर्ग में गुजार सकते हो। इतना ही होगा कि जब तुम स्वर्ग आओगे तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने कुछ भी काम मेरे लिए किया नहीं यहां पर। लेकिन तुम स्वर्ग आ सकते हो क्योंकि तुमने मन फिरा लिया, अब तुम साफ हो गए। तो यीशु यही कहता है कि मुझे मन फिराव देखना है। तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं मेरा संसार चल रहा है, संसार तो मैं चला रहा हूं। तुम किसी की भलाई करते हो उससे नहीं संसार चलता, मेरे चलाने से चलता है, इसलिए वो इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए। पर तुम्हारा मन फिर गया, मेरी तरफ आ गया, इतना ही मुझे देखना है। तो ऐसे मनुष्य को भी माफी मिल सकती है पूर्ण रूप से, और वो हमेशा के लिए स्वर्ग जा सकता है। बाकी धर्म जो सिखाते हैं कि सच्चे मन से माफी मांगो परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने दंड नहीं भुगता किसी ने, माफ करने का अधिकार ही नहीं उन्हें। जिसने दंड भुगता है वही माफ कर सकता है। इसीलिए जो लोग ऐसा कहते हैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वो बोलते हैं और दूसरा फिर वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही वो बुरी बुरी फिल्में देख रहे होते हैं, वैसे ही वो शराब पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, व्यभिचार कर रहे होते हैं, लालच कर रहे होते हैं, धन के लोभ में भाग रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं आता उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि ये कहने के लिए बोल देते हैं वो, बस कि बस माफी मांग लो सच्चे मन से, वो माफ कर देगा। वो कहने के लिए, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह के पास जो आता है, यीशु मसीह जो सिखाता है कि अपने अंधविश्वास से बाहर निकलो, परख के देखो सबसे पहले तो उनको जिनको तुम विश्वास करते हो, क्या तुमने कोई खोज करी है, क्या तुमने देखा है कि उसमें किताबों में क्या लिखा, उसके बारे में कौन सी भविष्यवाणियां लिखी है। नहीं करी है, यही साबित करता है कि अभी तक परमेश्वर को नहीं ढूंढा आपने। जिसने ढूंढ लिया वो बाइबल में पढ़ने लग जाता है, हाँ इसमें सच्चाई है, मैं पढ़ूंगा, इसके हिसाब से जीऊंगा। दूसरा, जो सच्चे मन से क्षमा मांगकर यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को अधिकार है क्षमा करने का, साथ में वो पवित्र आत्मा दे देता है।
किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा, यीशु का, परमेश्वर का। क्यों? वो कहता है कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर आदम का पाप है। आदम जो पहला मनुष्य था, उसका स्वभाव हर बच्चों में गया, हर बच्चे में बचपन से पाप है। इसीलिए जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका पाप दिखने लगता है। बचपन में वो पाप हम मासूम समझ के मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, वो स्वार्थी होता जाता है, पापी होता जाता है, वो भाई भाई से लड़ने लगता है, बेटा पिता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, जायदाद के झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारे संसार में इतनी अशांति क्यों है, इतना पाप क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है। उस पाप की वजह से हर कोई नरक जा रहा है। तो यीशु कहता है कि तुम्हारे अंदर पाप है, उस पाप के लिए मैंने दंड भुगता, तुम मेरे पास आ गए, मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि मुझे अधिकार है। अब तुम्हारा मन फिर गया, अब तुम मेरी आवाज सुनोगे। पहले तो तुम सुनना ही नहीं चाहते थे, तुम्हारा जो मन था बहुत कठोर था, सांसारिक जीवन जीने में लगे रहते थे। तो सच्चे मन से जो माफी मांगने की कोशिश करता है, वो सच्चे मन से परमेश्वर को भी ढूंढेगा। वो ये नहीं कहेगा कि चलो मैं कहीं पे चला जाऊंगा, या तो मैं वहां मोमबत्ती जला लूंगा, या मैं घंटा बजा दूंगा वहां पे जाके, या मैं मत्था टेक दूंगा, या मैं दिया जला दूंगा। वो ऐसे नहीं सोचता। वो कहता नहीं, ये सब तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। सच्चा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसको किसी चढ़ावे की जरूरत नहीं है, उसको किसी धन की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ मेरा मन चाहिए। तो वो सच्चे परमेश्वर को पा लेता है, वो यीशु मसीह को पा लेता है, और यीशु मसीह का रास्ता उसे समझ में आ जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने ही सिर्फ कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। तो उसको समझ आ जाती है बात। वो कहता परमेश्वर मैं गलत था, अब मुझे मिल गया है सच्चा परमेश्वर, अब जितना भी शेष मेरा जीवन है मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। और परमेश्वर कहता है मुझे पता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर आदम का स्वभाव है, पाप है, तो इसलिए तुम्हें शक्ति देने के लिए मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। दूसरा कोई पवित्र आत्मा दे ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे किसी के पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। पवित्र का मतलब जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, और ऐसा तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह है। तो आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, उस वो कहानी है जब यीशु मसीह को बहुत सताया गया, मारा गया, क्योंकि उसके बारे में लिखा था कि ये बहुत दुख उठाएगा हमारे लिए, हमारे लिए बलिदान चढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने पहले बताया था कि जब तक मेरा पुत्र नहीं आता तब तक जानवरों की बलि देनी है, लेकिन मेरे पुत्र के आने के बाद किसी को जानवर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बलिदान जो है वो आखिरी बलिदान होगा, उसके बाद किसी बलिदान की जरूरत नहीं, अंतिम बलिदान वही होगा। जो यीशु मसीह के पास आया वो कोई जानवर नहीं काटता, क्योंकि उसे पता चल गया कि रक्त तो इसने बहा दिया यीशु मसीह ने, अब क्यों जानवर की मैं बलि दूं? जानवर तो बेचारा मासूम होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य बन के हमारे लिए बलिदान दे दिया, तो और किसी जानवर की जरूरत नहीं है। लहू बहाया जा चुका हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, तो और कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है कि जब ये बाइबल का जो वो दृष्टांत है, जहां पर वो जगह है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया जा रहा था, क्रूस पर किसको लटकाते थे? रोमी अधिकारी, रोम का जो राज था इसराइल पे, जो कोई भी ऐसा काम करता था जो कानून को तोड़ता था, चोरी, डकैती, हत्या, कुछ भी जो गलत करता था कानून के विरुद्ध, रोमी साम्राज्य के विरुद्ध, उसको क्रूस पर लटकाते थे। और क्रूस पर लटकाना जो है सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला, जिसे पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, उससे पहले उसको कोड़ों से मारा जाता था, चाबुक से, वो पूरा लहूलुहान हो जाता था, उसके बाद उसको लटका देते थे। जब लटकाते थे उसको, तो उसकी कीलें ठोकी जाती थी हाथों में और पैरों में। तो क्या होता था, जब वो लटक रहा है तो पूरा वजन तो उसका नीचे चला जाता था, तो वो सांस नहीं ले पाता था। सांस लेने के लिए उसको जिस कील पे उसके पैर ठोके गए हैं उस पे खड़ा होना होता था, उसको उचकना पड़ता था सांस लेने के लिए, एक एक सांस लेने के लिए, फिर नीचे आता था वो। तो अब वो लटका हुआ है, लहूलुहान है, उसको सांस लेनी है, तो वो कीलों के उसी सहारे वो खड़ा होता था, ऐसे सांस लेगा फिर नीचे जाएगा, तो कितने देर तक जिएगा वो? तो बहुत ही कष्टदायक मृत्यु थी जो परमेश्वर ने अपने लिए चुनी, ताकि वो मनुष्य के, सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगत सके। तो यीशु मसीह को भी वो लोग क्यों लटका रहे थे? क्योंकि जो फरीसी थे, शास्त्री थे, जो पंडित थे उस समय के, जो यहूदी धर्म के जो पंडित थे, उनका धंधा जो है वो बंद होने लग गया था, क्योंकि लोग यीशु मसीह के पास जाने लगे थे जो परमेश्वर का वचन सुनाता था और चमत्कार करता था, तो लोग उसके पीछे जा रहे थे। तो इन्होंने किसी तरह सोचा कि इसको मरवा देते हैं तो लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारी जो इज्जत है, जो मान है समाज में और जो पैसा हमको मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा, नहीं तो जिस तरीके के चमत्कार ये करता है। तो उन्होंने रोमी साम्राज्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको
मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो इंतजाम किया है ये परमेश्वर की योजना में है, क्योंकि जैसा भविष्यवक्ता यशाया ने लिखा था 700 साल पहले, यशाया 53 में, कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए मारा जाएगा। ये तो भविष्यवाणी करी थी इसके बारे में पहले से कि मसीहा जब आएगा तो वो लटकाया जाएगा, जो बलिदान होगा मनुष्य के पापों के लिए। तो हुआ क्या, जाने अनजाने जो जितने भी शास्त्री और पंडित थे, जो फरीसी थे, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, उसी की वजह से वो भविष्यवाणी पूरी हो सकी जो परमेश्वर की योजना में थी। समझ रहे हो? तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा होने दिया कि वो पूरा बलिदान दे। लेकिन जब वो बलिदान पूरा हो गया तो यीशु ने कहा समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हुआ। उसके तीसरे दिन बाद वो जी उठा। उसने बोला तुम्हारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है मेरा जीवन और मृत्यु, परमेश्वर में कोई मृत्यु थोड़ी होती है, मैं तो आया ही था सिर्फ तुम्हारे पापों का दंड भुगतने के लिए मनुष्य बन के, वो मैंने पूरा कर दिया, तो अब मैं जी उठा। फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया शरीर समेत। ये बात उनको नहीं मालूम थी ना, उन्होंने सोचा था कि हमने इसको मरवा दिया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हुआ क्या, यीशु जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया। उसके बाद उसके 12 शिष्यों ने संसार में जाके यीशु मसीह का नाम प्रचार किया। आज सारे संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है तो वो यीशु मसीह को मानता है। पूरे विश्व में यीशु मसीह का विश्वास ही सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे हुआ, अगर वो जी नहीं उठा होता, अगर वो मर गया होता तो ये विश्वास कभी फैलता ही नहीं। लेकिन उसने बोला कि जैसे मैं जी उठा हूँ और जिसको क्षमा मिल जाएगी, जिसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसको तो मैं, उसका दंड तो मैं भुगत चुका हूँ, तो वो भी मरने के बाद उसका जो आत्मा है, जो प्राण है, वो तो नहीं मरेगा, उसको मैं जिला दूंगा, वो हमेशा के लिए मेरे पास, उसको एक शरीर दिया जाएगा नया, हमेशा के लिए मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा वो, क्योंकि मैं जी उठा। ये सबूत है, दूसरा किसी ने ऐसा किया ही नहीं। जितने भी मारे गए, आप किसी भी धर्म उठा के देख लो, वो कभी जीवित नहीं हुए दोबारा, कभी जलाए नहीं गए, वो मर गए और मर गए, खत्म हो गए वो, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थोड़ी है कि वो वापस जी उठे। सिर्फ परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर में मौत नहीं होती है। तो जब यीशु मसीह को टांगा जा रहा था ना सूली पर ऐसे, तो उसके साथ दो और कुकर्मियों को भी टांगा गया। ठीक है, तो वो कहानी मैं सुनाता हूं। दो कुकर्मी जिन्होंने कानून तोड़ा था, नियम तोड़े थे रोमी अधिकारियों के, तो उनको वही सजा मिल रही थी, वो बुरे थे। हो सकता है कि उन्होंने चोरियां की हो, डकैतियां की हो, लोगों की हत्या करी हो, जो भी किया था उन्होंने, उन दोनों को, एक को इस तरफ एक को इस तरफ, दाएं बाएं, ठीक है। तो दोनों कुकर्मी, उनको पता है हम बुरी मौत मरने वाले हैं, लटकाए जा चुके हैं, पीड़ा से तकलीफ में पड़े हुए हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, और उनको दिख रहा है कि हमारी आंख बंद होने वाली है, हम यहाँ से चले जाएंगे, इस संसार से चले जाएंगे। हम सोच के देखो कभी हमारे साथ खुद ऐसी समस्या आ जाती है जहां मरने वाले हैं, तो हमारी जो चिंता होगी क्या इस जगत की होगी उसके बाद, या फिर उसको लगेगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या कहते हो, क्या कहते हैं आप, क्या वो ये सोचेगा कि अरे मुझे फैक्ट्री में जाके डाई बनानी है, या मुझे अगले महीने दूसरी किसी कंपनी में जाना जहाँ ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, क्या वो ये सोचेगा उस समय? उसको लगेगा कि मैं संसार से जाने वाला हूँ, लगेगा ना उसको, तो उसको ये तो समझ आएगा ना कि यहाँ तो मेरा जीवन खत्म हो चुका है, अब जो कुछ है इसके बाद, जो भी है जीवन अगर है तो उसके बारे में सोचना है मुझे। तो ऐसा मनुष्य, उसके पास दो मौके होते हैं, या तो वो सच्चे मन से बोले कि देख, उसको दिख भी रहा होता है कि मैंने बहुत से पाप किए थे इस जीवन में, अब मैं मरने वाला हूं, तो उसके पास ये चुनाव करने का उस समय अवसर होता है कि परमेश्वर तू कौन है, क्योंकि मैं तो यहां से जा रहा हूं, अब मुझे दिख रहा है कि जो कुछ मैं भाग दौड़ कर रहा था वो तो खत्म हो रहा है, अब मुझे बता कि अब इसके बाद क्या है, वो पूछ सकता है परमेश्वर से, और परमेश्वर उसे दिखा भी देगा। दूसरा वो ये कि वो अगर वो सोचेगा, अपने मन को कठोर बना के रखेगा, तो हो सकता है कि वो माफी ना मांगे, बोले ठीक है जो कुछ किया, जो अब देखा जाएगा जो होता है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कहानी में क्या होता है हम पढ़ेंगे, लूका 23:39-43। जो दो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब ये जो कुकर्मी था, इसने भी यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना था, क्योंकि उस समय में जी रहा था वो, और यीशु का बहुत प्रचार हो चुका था, वो जानता था कि यीशु जो है वो जो वचन सुनाता है वो दिल को छेद जाते हैं, जो चमत्कार उसने किए उनको कर नहीं सकता है। यीशु ने ये भी बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, सब कुछ पता उसको, सब उसने भी सुन रखा है। बहुत छोटी छोटी जगह होती थी ना उस समय, तो आज के जैसे बड़े बड़े शहर तो होते नहीं थे, तो सारी बात फैल जाती थी।
तो उसने सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा है, फिर भी वो यही कह रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, क्या तुम मसीह नहीं? अब तो वो मरने वाला है, उसको ये भी पता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, अगर ये मसीह हो या ना हो मैं तो मर ही रहा हूं। अगर उसे विश्वास ही नहीं है कि ये परमेश्वर है तो वो तो मर ही रहा है ना, फिर भी तो भी उसका मन कठोर है। अगर एक मन में सच्चाई है तो वो तो ये सोचेगा ना, मैं तो मरने वाला हूं, सच तो ये है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया था, अब मेरी जो सजा है वो सही है, जायज है, वो सजा मुझे मिलनी चाहिए। सच्चे मन का आदमी तो यही सोचेगा ना। जो फरेबी मन का होगा, जिसका मन कठोर होगा, जो लालचों में फंसा रहेगा, वो कहेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है मैंने क्या किया है, बस मुझे किसी तरह निकलना है यहां से, मुझे कोई मंजूर नहीं है सजा, वो यही सोचेगा ना, क्योंकि वो स्वार्थी है, उसके अंदर पाप है। तो वैसे ही सोच रहा है वो भी, वो कह रहा है कि तू मसीह अगर है तो हमें बचा कर दिखा, क्योंकि वो बचना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि उसने क्या गलत किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो क्षमा नहीं मांगना चाहता, वो मरते समय भी क्षमा नहीं मांगना चाहता, मरते समय भी उसे यह ख्याल नहीं आ रहा कि संसार तो मेरा खत्म हो रहा है, अब तो यहां से मैं जाऊंगा तो क्यों ना मैं क्षमा मांग लूं, मैंने तो पाप किए ही है, ऐसा नहीं सोच रहा हूं। अगर तू मसीह है तो साबित कर, जबकि उसे पता है कि जो मसीह ने किया है वो कोई कर नहीं सकता परमेश्वर के अलावा, फिर भी वो चुनौती दे रहा है कि साबित कर, कोई मान नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है यीशु मसीह के लिए उसके दिल में। इस पर दूसरे ने, 40वें वचन में देखो क्या कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है जो इसको मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो मनुष्य था उसको दिख रहा है कि वो मर रहा है, उसने सारे गलत काम किए, लेकिन अब उसका मन फिर गया, उसको समझ आ गया कि जो यीशु मसीह जो बताता था कि भाई ये जो जीवन है तुम्हारा नश्वर है, भाप होता है ना, जैसे वो जब हम पानी गर्म करते हैं तो भाप जैसे उड़ जाता है, सारा पानी सूख जाता है। बाइबल सिखाता है कि तुम्हारा जो जीवन है वो भाप की तरह उड़ जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा, इसमें सच्चाई नहीं है। यहां रहते हुए परमेश्वर को ढूंढ लो और अनंत काल का जो जीवन है उसको बुक कर लो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जियोगे, नरक में कभी नहीं जाओगे। ये उसको समझ आ गया क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, उसके मन में आया कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं और ये सच्चा मसीहा है, इसको तो ये दंड मिलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, यीशु मसीह ने, उसने तो लोगों की भलाई करी है, चमत्कार किए हैं, लोगों को चंगाई दी है, अच्छे वचन सिखाए हैं परमेश्वर के, पता नहीं इसको क्यों टांग दिया। उसके मन में ये विचार आ रहा था, फिर उसे ये भी समझ आया कि यीशु ने कहा था कि तुम्हारे पापों के लिए मैं दंड भुगतूंगा। तो उसके मन में यीशु के लिए मान आ गया, श्रद्धा आ गई, विश्वास आ गया और प्रेम आ गया। उसने बोला ये आदमी जो मर रहा है ये तो परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि इसको तो मरने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए मर रहा है, मेरे पापों के लिए। उसके मन में विश्वास आ गया, इसलिए उसने डांटा दूसरे को, बोला कि तुझे तो सही मिल रहा है दंड, लेकिन इसको तो दंड नहीं मिलना चाहिए था। 41 में देखो क्या कहता वो, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो उसको समझा रहा है कि तू जो कह रहा है इससे, मसीह से, तू ध्यान से ये सोच नहीं रहा कि हमको जो दंड मिल रहा है वो तो न्याय अनुसार मिल रहा है, क्योंकि हमारे तो काम ही ऐसे थे, हमें तो मिलना ही चाहिए था, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने तो हमेशा भलाई करी है, इसको तो ये दंड मिलना भी नहीं चाहिए था, फिर तू इसको ऐसे क्यों कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि तू विश्वास नहीं करता कि ये परमेश्वर है। पर 42 में वो क्या कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसको ये पता था कि यीशु ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा और अपना राज्य इस संसार पर, इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए मैं कायम करूंगा, जिस पर मैं राज करूंगा सारे देशों पे, और सिर्फ वो लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वो राज करेंगे इस संसार में, क्योंकि सिर्फ उनका ही मन फिरा है वही पवित्र हो पाए। इस संसार में 1000 साल तक शांति रहेगी, उसके बाद मैं उन लोगों को जो मुझ पर विश्वास रखते हैं अनंत काल में ले जाऊंगा, जहां पर कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मृत्यु नहीं होगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये यीशु ने बाइबल में लिख के पहले से गया हुआ है वो। तो इसको समझ आ गया, इसने बोला यीशु मैं तो पापी हूं, मुझे क्षमा कर, तू मेरे लिए दंड भुगत रहा, मुझे दिख रहा है, न्याय अनुसार तो तुझे दंड मिलना ही नहीं चाहिए था, इसलिए जब तू अपने राज में आएगा तो मेरी सुधि लेना, मतलब मुझे याद रखना। मतलब क्या हुआ? मतलब वो कह रहा है कि मैं तेरा हूं,
पहले मैं पापी था, अब मेरा मन फिर गया है, मुझे क्षमा करो। उसने सच्चे मन से क्षमा मांग के यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तभी तो वो विश्वास कर रहा है कि इसका राज कायम होगा। और उसने बोला मेरी सुधि लेना। यीशु ने उसे क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु ने कहा उस कर्मी से, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही मतलब क्या हुआ? यीशु ने उसी समय उसको क्षमा कर दिया। जितने भी पाप जो रोमी अधिकारी थे, जो रोमी साम्राज्य था, जैसे हमारे देश के कानून होते हैं वैसे उनके भी कानून थे, उस कानून के आधार पर तो उसको मृत्युदंड मिला था, बहुत तकलीफ से मर रहा था। लेकिन परमेश्वर के कानून के आधार पर परमेश्वर ने कहा, तुमने जैसे मन फिराया तुम उस धुले कपड़े की तरह हो गए, जो साफ उज्जवल हो गए, फिर से मैल जो तुम्हारा था वो निकल गया, अब तुम मेरे काम के हो गए, अब तुम मेरे रास्ते पर चलने को तैयार हो, तो इसलिए आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गए। उसी समय क्षमा मिल जाती है और सब कुछ धुल गया। क्यों? क्योंकि यीशु भुगत रहा है ना दंड। एक ही जुर्म की दो बार तो सजा नहीं मिलती ना किसी भी अदालत में, तो जब यीशु ने भुगत लिया तो वो उसको दंड क्यों देगा? उसने तो विश्वास कर लिया कि यीशु तू मेरा कर्ज अदा कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं इसीलिए मैं तुझे अपना जीवन दे रहा हूं। सोच के देखो, अगर आपका कोई कर्जा है और जो आपसे नहीं अदा हो रहा है, और आपके दोस्त को आपकी तकलीफ पता चली कि इसके बच्चे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, और ये बेचारा सारा अपनी कमाई लाके कर्जे चुकाने में लगा हुआ है, और उस दोस्त को ऐसा लगता है कि नहीं ये इसकी मदद मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, वो आके कहता है कि दोस्त मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा कर्जा अदा करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे भाई जैसे हो, कल को जीवन में अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो तुम लौटा देना, नहीं भी लौटाओगे तो मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए उसकी वजह से मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर रहा हूं। अब अगर आप उसके सच्चे प्रेम को समझ जाओगे तो आपको वो पैसा लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप सच्चे मन से ले रहे हो। अगर आप घमंडी रहोगे तो आप हमेशा ये सोचते रह जाओगे कि मैं क्यों लूं इससे पैसा, और सारा जीवन तकलीफ में रहोगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसा इसलिए नहीं दे रहा कि कोई व्यापार नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पे, मेरे भाई हो तुम, क्या भाई नहीं दे सकता एक दूसरे भाई को? वैसे स्वीकार कर लो। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि तुमसे जो मेरा प्रेम है, मेरे बच्चे हो तुम, क्या अपने बच्चों के लिए आदमी कर्जा अदा नहीं करेगा? मैं निश्चिंत होकर जी सकता हूं। ऐसे यीशु कहता है। जब लोग कहते हैं कि अगर यीशु ने दंड भुगत लिया तो आदमी मनमाने ढंग से जिएगा, फिर उसका मतलब फिर तो वो पाप में रहेगा, नहीं। अगर उसने सच्चे मन से ये बात समझ लिया कि पाप उसको बर्बाद कर रहा था और नरक ले जा रहा था, अगर उसने सच्चे मन से मान लिया है तो वो यीशु को अपने पाप दे देगा, लेकिन चलेगा वो यीशु के रास्ते पर ही, क्योंकि उसे पता है कि इसने बचाया मुझे। अगर उसने सच्चे मन से मन फिराया तो वापस पाप में नहीं जाएगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, समझ रहे हो? तो वो डर निकाल देता है यीशु, कहता डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने यह बोला है भयभीत ना हो, 365 बार, यानी कि साल में जो 365 दिन होते हैं हर एक दिन के लिए उसने बाइबल में लिख दिया है भयभीत ना हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो डर ही निकाल दिया उसने, ना मुझे अब यह चिंता है इस बात की कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं किराया कैसे दूंगा, मेरा कर्जा कैसे अदा होगा, मेरे को वो डर निकाल दिया उसने। वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाते जाऊंगा, मेरे वचन सुनते जाओ, धीरे धीरे तुम्हें रास्ता दिखाते जाऊंगा मैं, और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कैसे तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, और तुम्हें समझ में आएगा कि शांति कैसे मिलती है इस जीवन में, आनंद कैसे आता है, संतोष कैसे मिलता है, और तुम्हें समझ आएगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। ये सब मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, जो कोई और नहीं दे सकता। इस कुकर्मी को वो समझ आ गया था, तो उसने यीशु ने उसको बोला, बेफिक्र रहो, तुम यहां मर रहे हो लेकिन आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गए। यीशु कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर ने उसको बोल दिया, सोचो उसके मन में कितनी शांति आ गई होगी, अब उसे डर नहीं है नरक का, और उसे ये भी पता है कि अब मैं अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाऊंगा, जहां कोई अंत ही नहीं है समय का, हमेशा के लिए स्वर्ग में रहूंगा मैं इसके साथ। कितना आनंदित हुआ होगा। वही बात यीशु आज हमसे कहता है, ठीक वैसे ही जैसे उस कुकर्मी को क्षमा मिल गई थी। ये मत सोचना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है फिर जब हम मर रहे होंगे तब क्षमा मांग लेंगे। सवाल यह है कि जिसको क्षमा मांगनी होती है ना, वो मरने का इंतजार नहीं करता। उसके दो कारण हैं।
पहली बात तो ये कि आपको पता है कि आप कब मरने वाले हैं। अगर आपने सोच लिया मैं तो 20 साल बाद मरूंगा लेकिन कल ही मर गए, तो मौका ही कहाँ मिलेगा क्षमा मांगने का। इसलिए क्षमा मांगने का समय नहीं होता कि मैं इंतजार करके बाद में मांगूंगा। क्षमा तो आज मांगी जाती है, अभी मांगी जाती है, उसके लिए इंतजार नहीं करना होता क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। दूसरा, जिसका मन फिर गया, वो मन कोई बटन तो है नहीं कि मैंने दबाया तो लाइट जल गई और बुझाया तो लाइट बुझ गई। मन तो मन है, जिस समय विश्वास हो गया तो हो गया। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, नहीं नहीं मेरे मन आज विश्वास मत कर, 20 साल बाद जब मैं मर रहा हूंगा तब फिर जाना तू, ऐसे थोड़ी बोल सकते मन को। वचन सुनते सुनते जब विश्वास आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो उसके लिए मैं समय की सीमा थोड़ी बांध सकता हूं कि 20 साल बाद मैं विश्वास कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा। पहली बात, हो नहीं सकता मन के साथ ऐसा। मन तो या तो मानेगा या नहीं मानेगा, तो मानना है तो आज भी मान सकता है। दूसरी बात, अगर पाप में ही रस होता, उसी में शांति होती, जैसे हम कहते हैं कोई भी नशा, शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, व्यभिचार, स्त्रियों के बारे में बुरे विचार, बुरी भाषा, ये जो पाप में गिने जाते हैं, लालच, स्वार्थ, इन सब में अगर आनंद होता, इससे मनुष्य का कुछ भला हो रहा होता, तो यीशु के पास कौन जाएगा? उसमें तो कोई आनंद ही नहीं है। तभी तो यीशु के पास जाते हैं लोग कि हमें क्षमा करो, अपने रास्ते पर चलाओ। तो इसलिए क्षमा मांगनी होती है तो उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है पहले से। हमारे अंदर पाप है और हमें, हमारी समझ अच्छी नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हम सांसारिक सोच में चलते हैं। कोई आपको ये तो बोलेगा कि अरे भाई हरिंदर चलो एक पिक्चर देखने चलते हैं, उसमें बहुत अच्छा नाच और बहुत अच्छा गाना है। वो ये नहीं बोलेगा कि चलो हरिंदर आज परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, वहां चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? कोई ये तो आपको बोल सकता है कि चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, कल छुट्टी है होली की, चलो बैठ के शराब पीते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि आज वहां पर बाइबल सिखाई जा रही है, परमेश्वर के वचन सिखाए जा रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य वो परमेश्वर के पास क्यों नहीं आना चाहता? वो हमेशा सिर्फ अपने ही स्वार्थ में और लालच में और बुरी चीजों में क्यों फंसा रहता है? क्या सबको मालूम नहीं है कि हम तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, उससे हमें नुकसान होता है, कैंसर हो सकता है, तंबाकू से माउथ कैंसर होता है, सिगरेट से हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, उसमें कैंसर होता है, मर जाते हैं कितने लोग, पता नहीं है क्या हमको? फिर भी हम करते हैं, शैतान हमसे करवा लेता है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके वचन नहीं है। हम लोग फंसे रहते हैं उन जालों में हमेशा। तो क्या मनुष्य उसमें जीना चाहेगा या निकलना चाहेगा उसमें से? निकलने का एक ही रास्ता है कि सच्चे परमेश्वर के पास, जो सच्चाई बता रहा है, जीवन की भी, मृत्यु की भी और अनंत काल की भी, उसी के पास आना पड़ेगा, और वो यीशु मसीह है। ठीक वैसे ही जैसे उस कुकर्मी को उसने आश्वासन दिया कि आज से ही तुम क्षमा हो गए, आज से ही तुम स्वर्ग लोक के अधिकारी हो गए, नागरिक बन गए स्वर्ग के, आज से ही, भले तुम्हारा जीवन यहाँ 30 साल 40 साल और चलेगा, लेकिन आज से ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है स्वर्ग में। अब तुम मेरे संतान हो गए, मैंने तुम पर छाप लगा दी है पवित्र आत्मा का, अब तुम्हें मेरी आवाज समझ में आएगी, सुनाई देगी, अब मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। ऐसा उसी के जीवन में होगा जो सारे अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने जितने भी धर्म है जो मनुष्य के बनाए हुए, सारे धर्म यीशु मसीह के अलावा मनुष्य ने बनाए, उनसे बाहर निकलकर परमेश्वर के पास आएगा और अपने पापों की क्षमा मांगकर अपना जीवन उसे दे देगा। यीशु मसीह कहता है आज तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम बस मेरी आवाज सुनते जाओ, संसार की मत सुनो, मेरी सुनो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, तो तुम्हें शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसने उसको बोला आज से तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो आपको भी यही कह रहा है, मैं स्वर्ग में हूं, आज अगर क्षमा मांगकर मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैंने आज ही कर दिया है, आज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नर्क नहीं मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी अगर तुम मेरे वचनों पर चलोगे। आमीन।